बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड टू का लेसन 8 स्टार्ट करेंगे, और इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो है आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी वर्कबुक। आपकी वर्कबुक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देगी, और हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है, जो कि इस लेसन को उनको बच्चे को बेहतर तरीके से समझाने में मदद देगा। अब हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटब की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ सी द लेसन नंबर 8, आर ग्रेट हीरोज। और हमारा आज का SLO क्या है? नो अबाउट द नेशनल लीडर्स एंड देयर स्ट्रगल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। हम अपने इस SLO में उन अजीम रहनुमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी कोशिशों को देखेंगे कि उन्होंने हमारा मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए क्या कोशिशें की। तो आए आज हम सबसे पहले कायदे आजम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आज कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आज हम रीडिंग स्किल यूज़ करेंगे, और आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। आप अपनी वर्कबुक निकालें। आपकी वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह एंड ड्रॉ इट इन द गिवन बॉक्स। सबसे पहले आपने इन तीनों पिक्चर्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कायदे आजम की पिक्चर कौन सी है। इज इट दिस, दिस और दिस? इन तीनों में से कौन सी पिक्चर कायदे आजम की है? कायदे आजम को आइडेंटिफाई करें और यहाँ इस बॉक्स में इस पिक्चर को ड्रॉ करें। इस एक्टिविटी को करने के बाद हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और अपने स्कूल टीचर को सबमिट करवानी है। अपनी किताब अपने सामने रखें। आपके चैप्टर 2 का टेक्स्ट आपके सामने है, तो आए हम इसे रीड करते हैं। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह वॉज आवर ग्रेट लीडर। He is the founder of Pakistan. He is also called the father of the nation. अब आप यहाँ पे देखें कि कायदे आजम को जो टाइटल दिया गया वो फादर ऑफ द नेशन का था, बाबाए कौम का था। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में सबसे अहम किरदार, सबसे बड़ा किरदार कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का है। देन ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन 25 December 1876। His real name was Muhammad Ali Jinnah and he was a lawyer by profession. Qaid-e Azam Rahmatullah Alayh 25 December 1876 में कराची में पैदा हुए। आपका पूरा नाम, आपका जो अपना नाम था वो मोहम्मद अली जिन्ना था। कायदे आजम तो उनका लकब है जो उनको उनकी, कायदे आजम का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, जबकि उनका लकब कायदे आजम है, उनका अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। और कायदे आजम पेशे से वकील थे। He worked day and night to get a separate homeland for the Muslims of subcontinent. कायदे आजम ने दिन रात मेहनत की बरसगीर के मुसलमानों को अलग वतन दिलवाने के लिए। ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है मुसलमानों के लिए। ये कायदे आजम के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन में से सबसे काबिल गौर है। After his long struggle, Pakistan came into being on 14 August 1947. कायदे आजम की अनथक कोशिशों, उनकी मेहनतों के बाद अब बिलाखिर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। कायदे आजम की क्वालिटीज़ में से आप देखें, ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ ब्रेव मैन। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम एंड पाकिस्तानी। ही डाइड ऑन 11 September 1948। हिज टॉम इज़ इन कराची। तो बच्चों, आपने यहाँ पे अपने SLO में हमारे पास था कि कायदे आजम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने देखनी थी। उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। आप ये चीज़ें ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी अगली एक्सरसाइजेज जो आपके पास आएंगी वो इन्हीं पर ही बेस करेंगे। तो कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ 25 December 1876 है। ये एक पॉइंट जो हमने SLO में अचीव करना था। द नेक्स्ट वॉज हिज टाइटल दैट ही वॉज फादर। नेक्स्ट वॉज हिज टाइटल विच इज़ फादर ऑफ द नेशन, या आप उर्दू में इसको कहें तो बाबाए कौम। देन He was lawyer by profession. उनका सबसे major contribution अगर आप देखें हमारे लिए, तो वो हमारे लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की अनथक मेहनतों, उनकी कोशिशों के नतीजे में हमें 14 अगस्त 1947 में बना। उसके बाद कायदे आजम के अचीवमेंट्स में आप देखें तो ही was our first गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह हैं। कायदे आजम की डेट ऑफ डेथ, कायदे आजम का इंतकाल
11 सितंबर 1948 में हुआ। 11 सितंबर 1948 वाज हिज डेथ डेट एंड लास्ट हिज टॉम्ब इज इन कराची। कायद अजम का मज़ार कराची में है। यहाँ पे आप अपने सामने तस्वीर में देख सकते हैं, ये कायद अजम के मज़ार की एक तस्वीर है आपके सामने। तो बच्चों, हमने अपने लेसन में कायद अजम के बारे में पढ़ा कि वो हमारे एक ग्रेट लीडर हैं। वो ग्रेट लीडर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए दिन रात मेहनत की और उनकी अनथक मेहनतों और कोशिशों का नतीजा हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जो कि 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। उसके अलावा हमने कायद अजम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि वो 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए, कराची में पैदा हुए। उनका पेशा वकालत था, ही वॉज़ लॉयर बाई प्रोफेशन। उसके अलावा ही वॉज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज सच अ हार्ड वर्किंग एंड अ ब्रेव मैन एंड ही वॉज डाइड ऑन 11 सितंबर 1948 एंड हिज टॉम इज़ इन कराची। तो ये कायद अजम की ज़िंदगी के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन अहम पॉइंट्स और अहम वाकयात आपके सामने हमने अपने इस लेसन में पढ़े। अब आएँ इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। आपके पास होमवर्क है। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलें, अपनी असेसमेंट का क्वेश्चन ए देखें। टिक द करेक्ट आंसर। आपने इन ऑप्शंस को देखना है, आपने पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद आपने ऑप्शंस को देखना, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे उसे मार्क करना है। द फर्स्ट इज द फादर ऑफ नेशन इज, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, इज इट अल्लामा इकबाल, कायदे आजम और लियाकत अली खान। जो भी आपको लगता है उसको टिक करें। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह बिकम द फर्स्ट डैश ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह वाज पास्ड अवे ऑन 11 सितंबर, आगे जो भी ईयर है, इज़ इट 1947, 1948 और 1949, जो आपको ठीक लगे उसको आप यहाँ पे मार्क करें। कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह वाज बोर्न इन 1876 और 1877 और 1888, करेक्ट आंसर को मार्क करें। देन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ आपकी किताब में आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके आपने जवाब लिखने हैं अपनी नोटबुक पे। द फर्स्ट इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह। यू हैव टू राइट इट डाउन द रियल नेम ऑफ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह। द थर्ड वन इज नेम सम लीडर्स हु स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। ये क्वेश्चन आप अपने पेरेंट्स की या अपने टीचर की मदद से करें कि कायदे आजम के अलावा भी कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखें जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, कुछ आपने पिक्चर्स भी देखी, उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे। तो बच्चों, आप अपने पेरेंट्स या अपने किसी बड़े से मदद लेकर इस सवाल को सॉल्व करें। द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेयर द टॉम्ब ऑफ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह इज़ लोकेटेड। यू हैव टू राइट इट डाउन द लोकेशन ऑफ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह इज़ टॉम्ब। अब अपना ये होमवर्क कम्प्लीट करें और अपने स्कूल टीचर को सबमिट करवाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।